प्रदेश में रहते थे हम लोग व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। आज हम लोग सुरक्षित हैं, गर्व से घूम सकते हैं, बहन बेटियाँ हमारी रात भी निकल सकती हैं, दिन में भी निकल सकते हैं। तो हम लोग मोदी को जिता रहे हैं, मोदी को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री बना के पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम। मोदी सरकार इस बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी योगी जैसे नेता जल्दी नहीं आते। ये राम लखन है, ये आते हैं, बहुत सदियों में आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सनी केसरी। भैया जी गजब में आप देख रहे हैं, स्वागत है आपका। इस समय प्रयागराज सिरसा बाजार मौजूद हूँ, जो कि नगर पंचायत मेजा विधानसभा कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नगर पंचायत के लखन जी, इनसे मैं बात करते हैं आखिर लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। इस बार जो है मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, हम लोगों का नारा है इस बार 400 के पार। 400 के पार होंगे तो संविधान में संशोधन होगा, जो कुछ कड़े एक्शन के लिए माननीय हमारे जो है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस बार जो है कुछ कड़े निर्णय लिए जाएंगे। तो कड़े निर्णय तभी लिए जाएंगे जब हमारे पास 400 के पार जो है, 376 के पास जब हमारी संख्या रहेगी, तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 400 से अधिक कानून, जो कि गलत कानून थे, उनको ख़त्म किया, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी 100 कानून ऐसे थे जो कि ख़त्म किया। ये सरकार गरीब, जो हमारे यहाँ गरीब नागरिक थे, जिनका छत कभी जो है खपड़े का हुआ करता था, उनको प्रधानमंत्री आवास दे के उनका पक्का हुआ। कभी वो सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे आवास जो है पक्के होंगे। किसान सम्मान निधि दे के 2,000 रुपये जो है किसान सम्मान निधि दी जाती है, जिससे किसान बीज और पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा मोदी सरकार की गारंटी है। विधवाओं को पेंशन मोदी सरकार की गारंटी है। व्यापारियों का सम्मान, आज गुंडे मवाली सब जेल के अंदर हैं। आज उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे गायब हैं, जितने भी गुंडे हैं। आप प्रदेश में रहते थे, हम लोग व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, आज हम लोग सुरक्षित हैं, गर्व से घूम सकते हैं, बहन बेटियां हमारी रात भी निकल सकती हैं, दिन में भी निकल सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग व्यापारी हैं, सिरसा के व्यापारी हैं, हम उदाहरण सिरसा का ही देना चाहते हैं। आए दिन यहाँ के जो अगल बगल गाँव के लुच्चे लफंगे आते थे, कोई भी सामान हमसे रुपए ले लेते थे, 10 रुपए का सामान, 20 रुपए का सामान, 50 रुपए का सामान, कुछ भी ले लिया तो उसको जो है पैसा नहीं देना और मारपीट करना, पैसा मांगने पे मारपीट करना। इसलिए जब तक ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होगी, लोग डबल इंजन बोलते हैं, तो डबल इंजन तो इस समय तो हमारे नगर पंचायत में एक इंजन है, एक इंजन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, तीसरी इंजन जो है केंद्र में जब आएगी तो विकास की गति बढ़ेगी। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं महंगाई ख़त्म नहीं हुआ, आज अगर देखा जाए तो हमको सुविधाएं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सुविधाएं लेना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ अलग से पेमेंट करना पड़ता है। अगर हम एक टिकट की देख ले, हमको दिल्ली या बम्बई जाना है, तो हमको टिकट मान लीजिए दिल्ली का टिकट 350 रुपये का है, लेकिन हमको तत्काल की टिकट की व्यवस्था चाहिए तो हम 1200 रुपये 1500 रुपये पेमेंट करते हैं। और वही अगर आप खिड़की पे जाएंगे लाइन लगा के, वही 450 रुपये का है, लेकिन हम जो है वो 1200 रुपये देना पसंद करते हैं, 450 की लाइन लेना नहीं पसंद करते। हमको सुविधाओं के आदि हो गए हम। हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, तो 24 घंटे बिजली चाहिए तो 24 घंटे बिजली का बिल का भुगतान भी करना पड़ेगा। इसके पहले पूर्व की सरकारें 8 घंटे 10 घंटे बिजली देती थी, हाँ बिजली में कटौती होती थी, चोरियाँ होती थी, आज जो है चोरियाँ ख़त्म हुआ है। और बेरोजगारी के मुद्दे पे ये कहा जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नौकरियां निकाल रही हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो उससे रोजगार भी बढ़ रहा है, ईंट वालों को रोजगार मिल रहा है, सीमेंट वालों को मिल रहा है, बालू वालों को मिल रहा है, जो लेबर वर्क है उसको भी मिल रहा है, तो रोजगार भी बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में व्यापारियों को ऋण मिल रहा है, तो अगर ऋण मिल रहा है तो उसका व्यापार बढ़ रहा है, जब व्यापार बढ़ रहा है तो वो नौकर भी रख रहा है,
नौकरी के लिए दो चार लोगों को रख भी रहा है। अगर 10 लाख रुपए का हम मुद्रा लोन किसी व्यापारी का हो गया तो दो चार लोगों को वो अपने यहाँ नौकरी के लिए रखता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे प्रयागराज से जो प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी हैं और इंडिया गठबंधन जो उज्जवल अमर हैं, दोनों टक्कर है ऐसा कहने का मिला है, क्या कहें? ऐसा है कि जो भी जनता है वो देख रही है भारत सरकार को जो है, और हम लोग मोदी को देख रहे हैं। प्रत्याशी तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार जो भारत को चलाती है, आज विश्व मेरा इतना नाम है, उसका एक ही कारण है कि मोदी। तो हम लोग मोदी को जिता रहे हैं, मोदी को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री बना के पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम करेंगे। धन्यवाद। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, और जो कह रहे हैं वे 101% गलत बोल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए के आज तक वो चली आ रही है, कौन उसको काट पाएगा? कोई इसको काट पाया? लेकिन अगर जो कुछ चीजें संशोधन की हैं, संशोधन अगर नहीं करेगा तो भारत हमारा बढ़ेगा कहां से? तो इसलिए जो है हमारी मोदी सरकार संशोधन के साथ साथ पूरे भारत को साथ में लेके चलेगी। संविधान में 1% का कोई खतरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, महिलाओं के मंगलसूत्र गहना होने की राजनीति हो रही, उस पर क्या विचार? ये देखिए ऐसा है, ये विपक्ष जो है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो इंडिया का अलायंस किया है, वो एक भ्रमित पड़ रहे हैं। ये भी कभी होता है, उसने कहा जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके सबको धन के एकत्रित करके उसको विवरण कर दिया जाएगा। अरे भाई, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर 10 रुपया मेरे पास है, 5 रुपया इनके पास है, 50 रुपया इनके पास है, और अगर लेबर नहीं होंगे, स्वीपर नहीं होंगे, काम करने वाले नहीं हो, तो काम होगा कहां से? काम तो जब ही होगा जब समीकरण के हिसाब से सब चलेगा। तो ये तो 101% जो है कांग्रेस की भ्रामक प्रचार है। यहाँ पर हमारे चेयरमैन श्री लखन जी केसरी के नेतृत्व में सिरसा में आसपास के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत अधिक बढ़ चुका है, और यहाँ 70% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो नारा लग रहा है वो जनता ने लगा रहा, ना कि हम लोग लगा रहे हैं। अब की बार 400 पार, और जनता की नीति है, ना कि मोदी जी की। अब मोदी जी की गारंटी तो ही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं खत्म हुआ, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस पर क्या? ये तो विपक्ष कहता है ऐसा कुछ नहीं है। हम कहेंगे मोदी सरकार इस बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी योगी जैसे नेता जल्दी नहीं आते। ये राम लखन है, ये आते हैं, बहुत सदियों में आते हैं, और हर बार मोदी सरकार, यही हम कहेंगे। और रुपए की जो कीमत है ना इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको देखते हुए महंगाई ज्यादा नहीं है, कांग्रेस शासन से कम हुई है। तेल की जो कीमत होनी चाहिए थी उस समय जो कीमत थी 35 रुपए ही थी, 40 रुपए, लेकिन वो आज के रुपए की कीमत के से तुलना करिए तो उस समय महंगाई अधिक थी, इस समय नहीं है उतनी महंगाई। आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत से तुलना करिए ना, उस समय जो कीमत थी उसकी तुलना में आज जो सोना मिल रहा है नहीं मिलेगा।